गाइजर आज हम चीटे पैप में देखने वाले हैं कैसे कमजोर सा वेयरवुल्फ अपनी सारी हड्डियां तोड़ के अपग्रेड होता है अपने मेगा गॉड लेवल में। तो यार हमारा साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में ओपी वेयरवुल्फ जरूर लिखना। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। ये पूंछ वाला आदमी कौन है? अरे भाई बॉब यार, ये कोई पूंछ वाला आदमी नहीं है, ये भाई हमारा वेयरवुल्फ। आओ भेड़िया, अरे बचाओ मेरे को। मिस्टर भैया, ये भेड़िया कौन सा है? और गाइस ये ना नॉर्मल भेड़िया नहीं है, ये एक वेयरवुल्फ है। आओ पर तुम इस वेयरवुल्फ को पकड़ के क्यों ले आए? अरे बॉब यार, ये वेयरवुल्फ नहीं वेयरवुल्फ है। आओ जो भी हो, पर ये होता क्या है? भाई बॉब यार, ये होता है आधा इंसान और आधा भेड़िया। जब इसको गुस्सा आता तो ये भेड़िया बन जाता है। हाँ बिल्कुल हल्क की तरह। हाँ भाई कुछ ऐसा ही, पर ये पहले से ऐसा नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि टोनी स्टार्क ने कोई तो चीज ऑर्डर करी थी और जो डिलीवरी बॉय है वो टोनी स्टार्क के मेंशन पे गया। उसका ऑर्डर डिलीवर करते करते जो डिलीवरी बॉय था उसने टोनी स्टार्क की नई इन्वेंशन को हाथ लगा लिया और अब वो भाई ऐसा बन गया है। तो भाई टोनी स्टार्क ने मेरे को ये कहा है कि अब ये ऐसा बन ही गया है तो हमें इसकी मदद करके इसको अपग्रेड करना चाहिए और जिसके बाद इसकी पावर से हम बाकी सारे विलन्स की बैंड बजा पाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक बात है, यानी कि एक नया एवेंजर आने वाला है। हाँ भाई बॉब यार कुछ ऐसे समझ ले, तो हमें भाई इसको अपग्रेड करने के लिए इसकी हजार हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि भाई साहब इसकी हड्डियों में छुपा है इसका एनर्जी वाला डीएनए। और डीएनए तो हर जगह होता है। भाई बॉब यार डीएनए हर जगह होता है वो तो पता है, पर भाई जो इसकी एनर्जी वाला डीएनए है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसकी हजार हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तो गाइस सर आप लोग रेडी हो ना? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हम इसको कूदाते हैं। जल्दी कूद जा भाई। और भाई साहब क्या ही कूदा है? मिस्टर फाइव पर ये बोल क्यों नहीं रहा है? भाई बॉब यार ये बोलेगा यार, पर अभी भाई ये कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसा क्यों? अरे इसने तो पूरी की पूरी 50 के करीब हड्डियां तोड़ दी। भाई साहब इसने तो काफी खतरनाक से कमाल कर दिया यार। मैंने तो नहीं सोचा था ये वेयरवुल्फ इतना ज्यादा खतरनाक होता है। अरे तो पेड़ में अटक गया, पहले क्या ये बंदर था? अरे भाई बॉब यार बताया तो ये एक इंसान था नॉर्मल, जो कि भाई अब भेड़िया बन चुका है, आधा इंसान आधा भेड़िया। ये तो काफी कमाल बात है यार। बहुत बढ़िया, अब कहाँ पे जाके इसकी हड्डी तोड़े? भाई बॉब यार देखते भाई कहाँ पे जाके ये वेयरवुल्फ अपनी हड्डियां तोड़ता है। आप कहाँ टावर पे चढ़ गया? भाई बॉब यार ये मेज बैंक से भी ऊंची वाली बिल्डिंग पे चढ़ गया और अब ये यहाँ से कूदने वाला है। भाई साहब मेरे बोलते ही कूद गया ये तो। मिस्टर फाइव मेरे को लग रहा है ये तुम्हारी बहुत बात मानता है। भाई बॉब यार बात तो मानता ही होगा, क्योंकि भाई इसको मैं अपग्रेड जो करने वाला हूँ। और भाई मैंने सुना है जब वेयरवुल्फ अपने मैक्स लेवल में अपग्रेड हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही खतरनाक पावर आ जाती है। अरे भाई साहब ये तो काफी खतरनाक तरीके से नीचे गिर गया। और गाइस यार इसने लगभग अपनी 200 के करीब हड्डियां तोड़ ली है, ये तो काफी मजेदार बात है यार। हाँ तो गाइस यार एक गेम खेलते हैं, जब भी मैं इसको कहीं से भी कुदाऊंगा या फिर जैसे ही हम इसकी हड्डी तोड़ने की कोशिश करेंगे तब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कितनी हड्डी तोड़ेगा और जिसका गैस सबसे ज्यादा बेस्ट जाएगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में हर्ट दूंगा और अगली वीडियो में उसे मिलेगा शाउट आउट। ये लेट्स गो। भाई तुम कहाँ पे ले इसको? भाई बॉब यार अभी हम लोग आ गए भाई मौत के कुएं के पास, जहाँ से ये भाई अपनी बाघ की हड्डी तोड़ने वाला है। अब यार बहुत मजा आएगा। गाइस जब तक ये अपनी हड्डी तोड़ने के लिए नीचे कूदता है तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। भाई साहब ये कहाँ जा रहा है भाई? मेरे को लग रहा है ये सही स्पॉट ढूंढ रहा है, कहाँ से जंप मारे। हाँ भाई बॉब यार इसकी नाक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसी बात है। हाँ भाई बॉब यार देखते भाई कितनी हड्डी तोड़ता है। अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से कूदा। ओ भाई साहब इसकी तो भाई पूंछ टूट गई यार बहुत ही बुरी तरह। अरे भाई साहब कंधे भी टूट गए। ये तो बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है। अरे भाई साहब ये तो बच गया भाई। ये तो कांटों के ऊपर गिरने वाला था। हाँ भाई बॉब यार पर ये किनारे में गिरा है और इसने अपनी किनारे पे गिरने के बावजूद भी 500 के करीब हड्डियां तोड़ ली है यार। ये तो काफी खतरनाक बात होती है। गाइस यार क्या आप लोग गैस कर पाए थे कि 500 के करीब हड्डियां तोड़ेगा? अगर नहीं कर पाए थे यार तो अगली बार ट्राई करके देखना, देखते भाई आपको गैस कितना ज्यादा बढ़िया जाता है। और किसी ने गैस कर लिया है तो भाई मुबारक हो, आपको मिलेगा अगली वीडियो में शाउट आउट और मेरी तरफ से कमेंट बॉक्स में हर्ट। भाई वैसे एक बात बताओ कि भेड़िया की नाक ज्यादा स्ट्रांग होती है कि डॉग की? भाई बॉब यार ये तो मेरे को नहीं पता है। वैसे डॉग भी भाई पहले भेड़िया ही थे। कैसी बात कर रहे हो, मेरे को तो पता नहीं थी ये। हाँ भाई बॉब यार वो बहुत लंबी कहानी है, पर गाइस यार आप लोग बताओ यार कि भेड़िया की नाक ज्यादा अच्छी होती है या डॉग की, आप लोगों को क्या लगता है? भेड़िया टनल में क्यों आ गया? भाई बॉब यार मेरे को लग रहा है ये ट्रेन से टकराने वाला है। बिस्टी भैया ये तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा है ट्रेन के पास। हाँ भाई साहब गाइस आप लोग बताओ कितनी हड्डी तोड़ेगा ये, लेट्स गो। भाई साहब क्या ही खतरनाक टक्कर हुई, ट्रेन तो उसको घसीटते हुए ले गई और भाई साहब हमारे वेयरवुल्फ की यानी कि हमारे भेड़िए की पूरी की पूरी 600 के करीब हड्डियां टूट गई हैं। ये तो काफी ज्यादा होती हैं। अरे तो फिर से टकरा गया। भाई बॉब यार इसकी जितनी हड्डी टूटी थी उतनी टूट गई हैं, यानी कि इसकी 600 के करीब हड्डियां टूट गई हैं, ये तो काफी मजेदार बात है। जल्दी से चलते भाई इसकी बाकी हड्डियां तोड़ने के लिए। और गाइस अगर आप लोग इस बार भी नहीं बता पाए तो भाई अगली बार ट्राई करके देखना, देखते भाई कौन जीतेगा हमारा ये वाला गेम। ये भेड़िया को कहाँ पे ले आए? भाई बॉब यार ये भेड़िया
खड़ा हुआ है माउंट चिलियार्ड पे एक बॉम्ब के ऊपर। हाँ, एक पीछे भी बॉम्ब रखा है। हाँ भाई बॉब यार, वो एक बॉम्ब खराब हो गया था। क्या भाई बॉब यार, इस भेड़िया को हम इस बॉम्ब की पावर से बहुत ही ज्यादा तेज हवा में उड़ाने वाले हैं। इसके बाद जब ये नीचे गिरेगा तब भाई इसकी बहुत ज्यादा हड्डियाँ टूट जाएंगी। देखते भाई इसकी कितनी टूटती है। गाइस यार 3 2 1। अरे भाई साहब क्या स्पीड में ये उड़ा यार। हाँ, अरे तो बादल दिख रहे हैं चारों तरफ, चिड़िया भी नीचे रह गई। भाई बॉब यार अब देखते हैं भाई ये माउंट चिलियार्ड से कितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाता है और कैसे नीचे गिर के अपनी बाकी सारी हड्डी तोड़ता है। अबे तो बादलों के पास आ गया। गाइस यार ये तो बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है इसने। भाई साहब पहले से ही बहुत ज्यादा हड्डियाँ तोड़ ली है यार अपनी। हाँ, उस प्रेशर से इसकी बहुत हड्डी टूट गई है। अब देखते हैं नीचे गिर के कितनी हड्डी तोड़ेगा। हाँ भाई बॉब यार यही तो देखना बाकी है यार। अबे तो पहाड़ के ऊपर गिरने वाला है, इसे तो जमीन पे गिरना चाहिए था। भाई बॉब यार मेरे को नहीं पता है। और लेट्स गो यार, ये तो बहुत तेज नीचे गिर रहा है। गाइस यार आप लोग गेस करो कितनी हड्डी तोड़ेगा ये। लेट्स गो, जल्दी चलते हैं। ओ भाई साहब क्या खतरनाक हड्डी टूटी है यार इसकी। हाँ इसने 700 के करीब हड्डिया तोड़ ली अपनी। भाई बॉब यार मेरे को लग नहीं रहा था 700 के करीब हड्डिया तोड़ लेगा अपनी। हाँ, मेरे को भी नहीं लग रहा था पर इसने तोड़ ली, ये तो काफी खतरनाक बात है। गाइस यार आप देखते हैं कहाँ पे जाके अपनी बाकी हड्डी तोड़ता है ये। आओ इसने तो एक पैराशूट खोल लिया। बिस्टफाई ये भेड़िया कहाँ पे आ गया। अरे भाई साहब ये तो लोगों को मार रहा है भाई बीच पे आके। पर ये बीच पे क्यों आया है, इसको तो अपनी हड्डी तोड़नी है। भाई साहब बॉब यार मेरे को लग रहा है ये भाई बहुत गुस्से में है यार। इसने तो एक और आदमी मार दिया। कुछ तो बोलो ये क्यों आया है। भाई बॉब मेरे को नहीं पता यार ये क्यों आया, मेरे से मत पूछ भाई, देखना पड़ेगा भाई ये क्यों यहाँ पे आया है। यार वो डिलीवरी बॉय यानी कि वेयरवुल्फ यही पे ही होगा, उसने मुझे अपनी यही की लोकेशन भेजी है। वेयरवुल्फ तुम कहाँ पे हो यार, मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, ये रहे अब तो तुम गए। अरे भाई साहब यार सुनचन, इसने तो भाई आयरन मैन को बुला लिया है और आयरन मैन ने क्या ही भाई इसकी हड्डी तोड़नी स्टार्ट कर दी है भाई। लेट्स गो। अरे इसको तो पानी में डाल दिया। ये यार ये लो और ये भी। ओ भाई साहब क्या ही भाई मिसाइल पे मिसाइल छोड़ रहा है भाई इसके ऊपर। अरे बहुत हड्डी टूट रही है इसकी। और ये भी। ओ भाई साहब वेयरवुल्फ की तो बहुत ज्यादा हड्डियां तोड़ दी भाई इसने। ये यार अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। और अब ये, और अब ये लो ये भी। ये यार कहीं ये मर न जाए, मुझे इससे बहुत ज्यादा काम है, अब मैं यहाँ से जल्दी चलता हूँ। ये जल्दी चलो। इस वेयरवुल्फ की तो हालत ही पतली कर दी आयरन मैन ने मार मार के। हाँ भाई बॉब यार ये तो गिरने ही वाला है यार। मिस्टर भैया आयरन मैन ने इसको बहुत मारा है। भाई साहब सिंचन यार वो बात तो ठीक है, पर भाई हमारे वेयरवुल्फ की पूरी 800 के करीब हड्डियाँ टूट गई हैं यार। क्या 800 के करीब। हाँ भाई तू खुद देखना भाई, ये तो चल भी नहीं पा रहा सही से। पर खैर कोई बात नहीं गाइस यार, हम लोग देखते भाई अब ये कहाँ पे जाके अपनी बाकी हड्डी तोड़ता है। मिस्टर साहब इसको कहाँ पे ले आए तुम। भाई बॉब यार अभी तो जबर रख भाई, इसके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है। क्या कहीं तुम वही तो नहीं करने वाला जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ भाई बॉब यार मैं वही करने वाला हूँ, इसको भाई अपनी हड्डी तोड़ने का बहुत शौक है ना पिट के, तो भाई अब मैं इसको अच्छे से पिटवाऊंगा। भैया अब क्या करने वाले हो सब सब बताओ। भाई सिंचन यार तू 2 मिनट रुक, तेरे को खुद पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। बिस्टिफाई ने इसी पहाड़ की लोकेशन बताई थी, पर वो भेड़िया है कहाँ। भेड़िए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये रहा, चल मेरे साथ। अरे गाइस यार भेड़िए को क्या ही पकड़ा है भाई हल्क ने। भैया ये था आपका सरप्राइज। हाँ भाई सिंचन यार अब तो देख भाई हल्क इसकी कितनी ज्यादा हड्डियाँ तोड़ता है। मिस्टिफाई भैया हल्क तो इसको बादलों के ऊपर ले गया था। भाई सिंचन यार अभी तो देख भाई हल्क इसको कहाँ कहाँ ले जाके और कैसे कैसे पटक पटक के मारता है। ये ले भेड़िए के बच्चे, ये ले तेरी ऐसी के तैसे, ये ले तेरे तो मैं एक एक हड्डी तोड़ूंगा, उठा उठा के तोड़ूंगा। भेड़िए कहाँ गया, ये रहा। हा, 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 ये ले ये ले ये ले, घुमा घुमा के मारूंगा मैं तेरे को। या ये ले ये ले ये ले, एक और खा और एक और, ये खा, ये मेरा मुक्का खा और ये मेरी लात खा। और भेड़िए भेड़िए कहाँ चले गया। लगता है वो पानी में बह गया है, मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ, बिस्टिफाई को पता नहीं लगना चाहिए। अरे बिस्टिफाई भैया ये भेड़िया तो सही में बह गया था। भाई सब सिंचन यार भेड़िया क्या ही बचा यार। बिस्टिफाई भैया भेड़िया बह तो गया था पर इसने अपनी कितनी ज्यादा हड्डियाँ तोड़ ली है। भाई सिंचन यार तू देख सकता है भेड़िया ने अपनी लगभग 900 के करीब हड्डियाँ तोड़ ली है, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा होती है यार। अगर थोड़ी देर और हल्के इसको मारता रहता तो भाई इसकी बहुत ज्यादा हड्डियाँ टूट जाती, पर भाई क्या कर सकते हैं। मेरे को एक जगह पता है जहाँ से हम इसकी सारी हड्डी तोड़ सकते हैं। भाई सिंचन यार तू कहीं वहीं की तो बात नहीं कर रहा है, आपने सही सोचा, जल्दी वहाँ पे चलते हैं। हाँ भाई सिंचन यार जल्दी चलते हैं। गाइस यार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।
मिस्टर भैया आप इसको ले आए यहाँ पे। हाँ भाई सिंचन यार, काइजर आप लोग देख सकते हो ये रैंप तो आपको याद ही होगा, इस रैंप से हमने न जाने कितने लोगों की हड्डियाँ तोड़ी हैं, चाहे वो सुपर हीरो हो या सुपर विलन। और आज हम लोग तोड़ने वाले हैं इस वेयरवुल्फ की हड्डियाँ। देखते भाई ये रैंप इस वेयरवुल्फ की इस भेड़िए की हड्डी तोड़ पाएगा या नहीं, जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं। अरे मिस्टी भैया ये तो बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है। ओ भाई साहब सिंचन यार, मैंने तो सोचा नहीं था इतनी ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। अरे भाई साहब बहुत स्पीड से इसकी हड्डी टूट रही है, इसकी कमर टूट गई है पूरी की पूरी, ये तो पता नहीं चल भी पाएगा नहीं चल पाएगा। भाई सिंचन यार बोलते बोलते इसका सर भी टूट गया है, अरे घुटना भी गया इसका, अरे पैर भी गया इसका, क्या होगा। भाई सिंचन यार इसकी बहुत हड्डी टूट रही है यार, मैं तो गिन भी नहीं सकता। ये फंस गया यहाँ पे मिस्टी भैया, ये तो निकल गया वहाँ से। हाँ भाई सिंचन यार आप देख भाई कितनी ज्यादा हड्डी टूट रही है इसकी। लेट्स गो, ये भेड़िया बहुत ज्यादा अपग्रेड होने वाला है मेरे को लग रहा है ऐसा। भाई सिंचन यार, ओ भाई साहब यार इसकी तो पूंछ की हड्डी भी टूट गई। भाई सिंचन यार पूंछ में हड्डी होती भी है, पूंछ में हड्डी होती है, इंसानों के अंदर भी थी वो पूंछ की हड्डी, पर वो अब बहुत छोटी हो गई है। भाई सिंचन यार तू कब से पढ़ाई करने लगा यार, मेरे को पता है मैंने नैना को दीदी के बुक में पढ़ा था। अरे गाइस यार ये तो बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार ये इतनी स्पीड से नीचे गिर सकता है। पिस्टी में भैया इस स्पीड से तो बहुत ज्यादा हड्डी तोड़ लेगा। भाई सब सिंचन यार इसने अपनी हाथी करीब हड्डियाँ तोड़ भी ली है, अब तू देख भाई नीचे गिर के कितनी हड्डी तोड़ता है। अरे तो बादलों के भी ऊपर था। ओ भाई साहब यार ये तो मेज बैंक के पास पहुंच गया है। गाइस जब तक ही नीचे गिर के अपनी हड्डी तोड़ रहा है तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और ये तो भाई बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा है। लेट्स गो भाई, इसने अपनी पूरी की पूरी हजार हड्डियां तोड़ ली है, अब देखते भाई इसके पास क्या पावर है, कहां पे भाई अपग्रेड होता है। ये तो अभी तक अपग्रेड ही नहीं हुआ। भाई सिंचन यार थोड़ा सब्र रख यार, कभी भी अपग्रेड हो सकता है। अरे बिस्टी में भैया ये क्या बन गया। भाई साहब गाइस आप लोग देख सकते हो इसके हाथ तो भाई डायमंड के हो गए हैं, और इसकी आंखें भी, इसका मुंह कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। पर ये तो पतला हो गया है। भाई सिंचन यार पतला होगा तो क्या हुआ, इसके पास इसकी बहुत ही खतरनाक वाली पावर्स भी होंगी, देखते भाई इसके पास क्या पावर है। बिस्टी में भैया क्या कर सकता है। भाई सिंचन यार ये देख क्या उड़ाया भाई टैक्सी को। ओ भाई साहब अरे इसकी आंखों से तो लेजर निकल रही है। भाई सिंचन यार मेरे को नहीं पता था कि वेयरवुल्फ की आंखों से लेजर निकलती है। ओ भाई साहब इसने तो भाई ट्रक की बैंड बजा दी, ट्रक फोड़ दिया पूरा का पूरा। गाइस यार इसकी आंखों से क्या ही खतरनाक लेजर निकल रही है भाई। बिस्टी में भैया ये तो पूरा का पूरा पुल ही चला देगा। गाइस यार ये बहुत स्पीड से जा रहा है यार। अरे इसने तो पूरी की पूरी बस ही उड़ा दी हवा में और फट भी गई बस। गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ही खतरनाक लेजर मार रहा है अपने आंखों से, और भाई सर से धुआं भी निकल रहा है। बिस्टी में भैया ये क्या कर रहा है। भाई सिंचन यार इसने तो लड़की पेल दी यार। अरे लड़की पकड़ ली। अरे भाई साहब इसने तो अपनी आंखों से भाई लड़की की आंखें जला दी, लड़की के साथ साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग भी चला दी इसने तो। अब भैया पकड़ लिए। ओ भाई साहब भैया की पूरी आंखें जला दी, देखो लाल लाल हो रही है। गाइस यार इसके पास बहुत खतरनाक वाली पावर है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब तो भाई अवेंजर्स की टीम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, ये वेयरवुल्फ बहुत खतरनाक है। ओ गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ओ गाइस यार जल्दी से लाइक करो। ओ भाई साहब कचरे का ट्रक उड़ा दिया और उसको कचरा बना दिया यार। मिस्टी भैया ये क्या कर रहे हैं। ओ भाई साहब इसने तो भाई वेयरवुल्फ एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया, वो भी दो बार, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कोई एक साथ दो बार कैसे एटॉमिक ब्लास्ट कर सकता है। भाई सिंचन यार उसका मतलब इसके पास गॉडज़िला से भी ज्यादा पावर है, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अरे बिस्टी में भैया ये तो फिर से कर रहा है। ओ भाई क्या ही तो भाई मचाई, और अभी भी इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी बची हुई है। लेट्स गो। ओ भाई इसने तो बैलून की बैंड बजा दी, क्या ही खतरनाक जा रहा है। लेट्स गो। वो रहा बैलून। अरे इसने तो अपने लेजर से बैलून के कचरे उड़ा दिए। ओ भाई सिंचन बहुत पावर है भाई इसके पास, मैं तो भाई हैरान हो गया इसकी पावर्स देख के। गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने कमजोर से वेयरवुल्फ की हजार हड्डियां तोड़ के उसको अपग्रेड कर दिया है मेगा गॉड डायमंड वेयरवुल्फ में। मिस्टी में ये तो बहुत ही बड़ा नाम है। गाइस आप लोग बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए। भाई सिंचन यार नाम तो सोचते रहेंगे पर ये बहुत खतरनाक है, इसके हाथ पूरे के पूरे डायमंड के हैं, इसी वजह से इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है यार। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और गाइस मेरे को इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।